एनसीओसी का 24 मई से मुख्तलिफ सेक्टर्स खोलने का फैसला। रेस्टोरेंट सियाहती मकामात खोल दिए जाएंगे। 5% से कम शरह वाले अजला में तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान। सिनेमा हॉल थिएटर्स बंद रहेंगे। तमाम एक्साम की इंडोर और आउटडोर मजहबी म्यूजिकल और सकाफती सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के मुकाबलों की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। वजीर सेहत की जेर सदारत इजलास, कोरोना की सूरत हाल का जायजा। यास्मीन राशिद का कहना है, शहरी एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें, मास्क पहने, SOPs पर अमल करें, वरना मामला बिगड़ सकता है। के बाद जारी शहरी बन रहे हैं वायरस का शिकार। 24 घंटे के दौरान सुबह में 1138 अफराद में वायरस की तस्दीक। शहर में मजीद 511 मरीज, मजीद 28 अफराद जां बहार। वैक्सीनेट हो जाएं तो दिल खोल के जो चाहें करें, लेकिन वैक्सीनेशन से पहले एहतियात करें। हर हाल में आपका और दूसरों के हकूक का ख्याल रखना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। शहरी पहले कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, फिर मिलने जुलने की इजाजत होगी। फिरदौस आशिक आवान का अपने ही अंदाज में मशवरा, कहती है खतरा अभी टला नहीं, शहरी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गैर तरबियत याफ्ता वैक्सीन लगाने वाला अमला इंसानी जानों से खेलने लगा। शहरी को पहली खुराक साइनोवेक की, दूसरी खुराक साइनोफार्म की लगाने का इंकशाफ। शहरी का हुकाम से तहकीकात का मुतालबा। दुकान खुलवाओ, हजामत कराओ, कोई पूछने वाला नहीं। SOPs पर अमल दरामद कराने वाले खुद धज्जियां उड़ाने लगे। रात गए हजामत कराते पुलिस अहलकारों की तस्वीर, लाहौर रंग को मौसू। महकमा सेहत के मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीनेशन ड्यूटी का अलाउंस ना मिल सका। सेंटर्स के मुलाजमीन हुकूमती अलाउंस मिलने के मुंतजर। मुलाजमीन मुख्तलिफ वैक्सीनेशन मराकज में ईद पर भी ड्यूटी करते रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेज इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। चौथे, छठे, आठवें सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेज और इम्तिहानात 24 मई से होंगे। जामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक तरीन ग्रुप की मुशावरत मुकम्मल। पंजाब असेंबली में अलग नशस्तों पर बैठने का फैसला। सूबाई वजीर अजमल चीमा, नुमान लंगड़ियाल भी अलग अलग नशस्तों पर बैठेंगे। हम सब PTI का हिस्सा थे, हम सब PTI का हिस्सा है और हम सब इंशाल्लाह ताला PTI का हिस्सा रहेंगे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हमेशा पार्टी का हिस्सा रहेंगे। जहांगीर तरीन ने बता दिया बुज़दार हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम। कहते हैं जुमे को इंतकाम के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाएंगे। हमने कहा था कि ईद के बाद अवाम को खुशखबरी देंगे, PTI से निजात की। जहांगीर तरीन ग्रुप ने कल उसकी ईंट, पहली ईंट रख दी है और अब कई आपको ग्रुप्स नजर आएंगे, ये PTI और अब ये JTI और इसके बाद कोई BTI भी आएगी और आखिर में जोकर अकेला रह जाएगा। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी पर हसन मुर्तजा खुश। PP रहनुमा बोले, जहांगीर तरीन ग्रुप बेबुनियाद रख दी है, अब PTI में GTI के बाद मजीद और नए ग्रुप्स भी सामने आएंगे। जिनके नाम से उन्होंने इस ग्रुप को टाइटल किया, उन्होंने आज खुद इस बात की तर्दीद कर दी कि वो PTI का हिस्सा हैं, PTI का हिस्सा रहेंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे उन्हें मुकम्मल एतमाद है। जहांगीर तरीन ने बता दिया कि वो पार्टी में रहेंगे। फिरदौस आशिक आवान का तहफ़ुज़ात दूर करने के लिए मुनासिब फोरम इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा कोई पार्टी छोड़कर सियासी खुदकुशी नहीं करेगा।
हम ख्याल ग्रुप के एतराजात, वज़ीरे आला ऑफिस भी इन एक्शन। सरदार उस्मान मुजदार के सेक्रेटरी की सैयद अकबर नवानी से मुलाकात। ताहिर खुर्शीद ने उस्मान मुजदार का अहम पैगाम तरीन ग्रुप को पहुंचाया। इमरान खान की ये पुरानी आदत है कि जब वो फंसने लगता है कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा जो है उसको चूज किया जाता है और इमरान खान साहब की गर्दन बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये हो नहीं पाएगा। ये आज ना हो, ये कल होगा, ये परसों होगा और होगा जरूर। इमरान खान की जब भी गर्दन फंसी वो किसी और को फंसा कर निकल गए। अस्मा बुखारी की घन गरज, कहा रिंग रोड अपनी नौयत का अनोखा मनसूबा, बनने से पहले ही अरबों रुपए की करप्शन कर ली गई। शहबाज शरीफ से शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरतेहाल, पीडीएम में पीपी की वापसी पर तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर ने फजल रहमान से बातचीत बारे बताया। अपोजिशन जमातों का सियासी मुस्तकबिल तारीख हो चुका। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार के तनकीदी वार, कहा पीडीएम की फिल्म सियासी पर्दा स्क्रीन पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी, इलेक्शन वक्त पर होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर करोड़ों का घपला, अफसरान ने ईद तातीलात में सब्सिडाइज अशिया निजी स्टोर्स को फरोख्त करके करोड़ों रुपए कमा लिए। लाहौर रंग ने अजब करप्शन की गजब कहानी से पर्दा उठा दिया। नानबाई एसोसिएशन की रोटी और नान की कीमतों में इजाफे की धमकी, डिप्टी कमिश्नर भी इन एक्शन। शहर के तंदूरों के दौरे, रोटी और नान का वजन चेक किया, कहा महंगी रोटी नहीं बिकने देंगे। महंगाई का सुनामी आउट ऑफ कंट्रोल, शहर में अशियाए जरूरिया आवाम की पहुंच से दूर। चिकन की उड़ान में कमी ना आ सकी, 429 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा, शहरी परेशानी का शिकार। मायरा कत्ल केस में हम पेशरफ, पुलिस ने मरकजी मुलजिम साद अमीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। साद को सीआईए कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया। मायरा की सहेली इकरा और साद अमीर भट्ट से पूछताछ। मायरा के मुंह और गर्दन पर दो गोलियां मारी गई, गर्दन पर फंदे का निशान भी मिला। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नए इंकशाफात, मायरा से ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले, पुलिस का दावा। देरीना दुश्मनी या फिर कोई और मामला, गार्डन टाउन के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकल। मुसल्ला अफराद ने कलमा चौक फ्लाईओवर पर फायरिंग की। चार कानून शिकनी बीसियों बार, ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों की सेंचुरी करने वाली गाड़ी को पुलिस ने धर लिया। 48,000 से जायद का जुर्माना आए, गाड़ी थाने में बंद। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी को पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी बनाने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं तामीराती मंसूबों के लिए गैर जरूरी बजट तखमीने की हौसला शिकनी की जाए। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली, गवर्नर सदर लाहौर चैम्बर की शिरकत। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, इजरायली दहशतगर्दी पर इंसानी हकूक के इदारों की खामोशी सवालिया निशान है, चौधरी सरवर। इमदादी कामों के लिए जो फलस्तीन जाना चाहता है अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, चेयरमैन हिलाल अहमर की अपील।
अबरार हक का कहना है 7 करोड़ से ज्यादा का सामान मौजूद है, कौन फलस्तीनी भाइयों की मदद के लिए तावुन करे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी का इजलास, ई टेंडरिंग निजाम राइज करने के लिए तरीकाकार पर मुशावरत, ई टेंडरिंग के लिए तमाम बॉक्स एक ही जगह पर फिक्स करने का फैसला। फिरोजपुर रोड गुलाब देवी अस्पताल अंडरपास लाहौर ब्रिज की तौसी, एलडीए ने काम का आगाज कर दिया, मंसूबे की तकमील पर 1 अरब 71 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी, ट्रैफिक निजाम बेहतर होगा। रोशन लाहौर के लिए कमिश्नर ऑफिस और बल्दिया उस्मा की 7 टीमें तश्कील, इब्तदाई तौर पर 23 शहराओं की मॉनिटरिंग होगी, कमिश्नर का कहना है कि रोज रिपोर्ट लूंगा, जल्द पूरा लाहौर रोशन होगा। तारीखी वॉल्टन एयरपोर्ट की मुरीद के मुंतकली, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तैयारियां शुरू कर दी, टेंडर जारी, पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे में एयरपोर्ट टर्मिनल, कंट्रोल टावर, हैंगर्स बनेंगे। मानी और इंतजामी इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को दिए जाएं, हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर, पाकिस्तान में बरतानिया की तर्ज पर जमहूरी निजाम नाफिज, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदों के पास इख्तियारात नहीं, दरख्वास्त गुजार। बैरून मुल्क जाने से रोकने का केस, शहबाज शरीफ की मुतफरिक दरखास्त पर समाप्त, वफाकी हुकूमत के वकील की दरखास्त की मुखालफत, हाईकोर्ट ने वफाक से 26 मई को जवाब मांग लिया। जहांगीर तरीन अली तरीन की सेशन कोर्ट में पेशी, 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 31 मई तक की तौसी, एफआईए फौरी तफ्तीश मुकम्मल करे, मजीद वक्त नहीं देंगे, अदालत के रिमार्क्स। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा सलमान रफीक की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी, ख्वाजा साद रफीक की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर, केस की मजीद समात 22 जून तक के लिए मुलतवी। ग्रीनलैंड एरियाज पर सोसाइटियों की कयाम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाप्त, अदालत का प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में पौधे लगाने और जॉगिंग ट्रैक बनाने का हुक्म, समाप्त 24 मई तक मुलतवी। साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा से सिक्योरिटी वापस लेने का मामला, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने साबिक आईजी की सिक्योरिटी बहाल करने का बयान हल्फी जमा करा दिया, ड्राइवर ना देने पर चीफ जस्टिस पर हम। गरीबों को उनका हक दिलवाना है, सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का तकरीब से खिताब, कहा जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा उसे आखिरत में कामयाबी मिलेगी। इस महकमे की कैसी कारकर्दगी, वजीर आला ने नजरें टिका ली, चेयरमैन पीपीएससी की उस्मान बुजदार से मुलाकात, जफर इकबाल ने वजीर आला को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की कारकर्दगी से आगाह किया। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क का असासा है, वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मोतरिफ चौधरी वसीम अख्तर का कहना है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बदौलत मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत होता है।